दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने व्हाट्सएप की निजता संबंधी नई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को खुद को अलग कर दिया है। बता दें कि दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को लेकर विवादों में आ गया है और इस पर जमकर हंगामा हो रहा है। इस बीच व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई पर से हाईकोर्ट की एक जज ने खुद को अलग कर दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने फेसबुक या व्हाट्सएप की तरफ से भेजे गए एक ईमेल पर नाखुशी जताई, जिसमें कहा गया था कि उन्हें मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के ईमेल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मामले में सुनवाई नहीं करने जा रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिंबल और मुकुल रोहतगी ने कहा कि ईमेल को बिना शर्त वापस लिया जा रहा है। बहरहाल न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वो मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती है और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इसे मुख्य न्यायाधीश के आदेश से 18 जनवरी को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे। उन्होंने कहा कि मामला जनहित याचिका की प्रकृति का प्रतीत होता है। गौरतलब है कि एक वकील की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि निजता की नई नीति संविधान के तहत निजता के अधिकारों का हनन करती है। याचिका में दावा किया गया है कि व्हाट्सएप की निजता संबंधी नई नीति उपयोगकर्ता की ऑनलाइन गतिविधियों पर पूरी पहुंच की अनुमति देता है और इसमें सरकार की कोई निगरानी नहीं है। नई नीति के तहत उपयोगकर्ता या तो इसे स्वीकार करता है या ऐप से बाहर हो जाता है, लेकिन वो अपने डाटा को फेसबुक के स्वामित्व वाले दूसरे मंच या किसी अन्य ऐप के साथ साझा नहीं करने का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। बता दें कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और यूजर्स को नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। इसको लेकर कई लोगों को संदेह है। यूजर्स को संदेह है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का सारा डाटा लीक हो सकता है और प्राइवेसी खत्म हो सकती है। व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति और शर्तों के अनुसार कंपनी आपके डिवाइस की आईडी, यूजर आईडी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सभी कॉन्टैक्ट, मोबाइल से होने वाले लेन देन और फोन की लोकेशन जैसी अहम जानकारियां लेगी। नई शर्तों में कहा गया है कि आपके मोबाइल से ली जाने वाली सारी जानकारियां फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर की जाएगी।